वेलकम टू प्लास्टिक्स वर्ल्ड, मैं हूं आलोक। आज का टॉपिक देखते हैं क्या है। आज हम जानेंगे डेंसिटी के बारे में, डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम का जो रेशियो होता है, उसको अनुपात जो होता है उसको हम डेंसिटी कहते हैं। मास को हम एम में एक्सप्रेस करते हैं, वॉल्यूम को वी में। ये इसका जो रेशियो होता है उसको हम डेंसिटी कहते हैं। मास किस चीज में होता है? मास होता है ग्राम में और वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में। तो इसका जो यूनिट होगा, इकाई डेंसिटी का, वो हो जाएगा ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। लेकिन अब हम जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं प्लास्टिक के बारे में। तो प्लास्टिक का किसी प्रोडक्ट का डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसका एक छोटा पीस काटते हैं सैंपल डेंसिटी के लिए। ऐसा सैंपल कट करते हैं डेंसिटी के लिए पहले हम। और क्या करते हैं, कट करने के बाद जो भी इसमें एक्सेस मटेरियल होता है बर्फ, उसको नाइफ के मीडियम से, नाइफ की सहायता से उसको क्लीन कर लेते हैं। ऐसे ऐसे क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि वो जब रहेगा इसमें एक्सेस मटेरियल बर्फ, तो उससे क्या होता है कि वेट मेरा लॉस होता है, डेंसिटी में एरर आने लगता है। तो एरर से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि एरिया को, पूरा सरफेस को क्लीन कर लेते हैं। फिर क्लीन करने के बाद क्या करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, वेगिंग बैलेंस में एक बीकर लेते हैं, इसको साफ करने के बाद क्या करते हैं, हम इसका वेट लेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, वेट एयर में वेट लेते हैं। मतलब एयर मतलब जहां कुछ नहीं है, वैक्यूम है, वहां खाली एयर है। तो वेगिंग बैलेंस से पहले इसको रख के वेट लेते हैं। तो वेट जो लेते हैं, पहले हो गया वेट इन एयर, वेट इन एयर, इसको हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। ये हो गया ए, ए से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसके अब इसको हम क्या करते हैं, डुबाते हैं लिक्विड में। ठीक है, तो डुबाने कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वायर लेते हैं, फिर वायर का वेट करते हैं। तो दूसरा हो गया वेट ऑफ वायर, वेट ऑफ वायर, ये भी ग्राम में हो गया। ठीक है, अब तीसरा क्या करते हैं, हम लिक्विड लेते हैं। ठीक है, जिसमें इसको डुबाना है, तो ऐसा लिक्विड लेते हैं जिसका डेंसिटी इससे कम हो, तभी ये उसमें डूब पाएगा मटेरियल। ठीक है, तो हम लिक्विड लेते हैं, लिक्विड उसका डेंसिटी हमें पता रहना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर पानी लिए तो उसका डेंसिटी 1 होता है पानी का। और चौथा क्या करते हैं, इसको हम डेंसिटी को डी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, उसके बाद इसको वायर में हैंग करते हैं, लपेट के वायर में, और वाटर में इसको हैंग करके वेट लेते हैं। तो वेट इन लिक्विड, इसको बी से इंडिकेट करते हैं, ये भी ग्राम में आएगा, इसको बी से इंडिकेट करेंगे। तो मेरे पास क्या है, ए है, एम है, डी है और बी है। जब इतना वेट हो जाता है तो उसके बाद इसका फॉर्मूला होता है, देखते हैं क्या फॉर्मूला है। फॉर्मूला होता है ए बाई ए प्लस एम माइनस बी इंटू डी। ठीक है, ए क्या हो गया, ये हो गया वेट इन एयर, इसका वेट एयर में। एम क्या हो गया, मास ऑफ वायर या वेट ऑफ वायर, एम से इंडिकेट करते हैं। और बी क्या हो गया, वेट इन लिक्विड, जब इसको लिक्विड में डुबा के जो वेट लेंगे वो। और इंटू डी मतलब जो लिक्विड डुबाने के लिए ले रहे हैं उसका डेंसिटी। तो इस फॉर्मूला पर कैलकुलेट करते हैं, और इसका इसका यूनिट क्या होता है डेंसिटी का, वो देखिए, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है या केजी पर मीटर क्यूब होता है डेंसिटी। ठीक है, अब आइए देखते हैं डेंसिटी का क्या क्या रेंज है इसके बारे में। तो ये है कुछ डेंसिटी का रेंज हम जो ड्रॉ किए हैं। पहला है फ्लोट इन वाटर, मतलब जिसका डेंसिटी 1 से कम होगा वो वाटर में फ्लोट करेगा, तैरेगा। तो किसका इसका डेंसिटी 1 से कम होता है, सिर्फ पॉलीओलेफिन, मतलब पीई और पीपी का डेंसिटी 1 से कम होता है। पीपी का होता है 0.90, एलडीपी का होता है 0.92 और एचडीपी का 0.96। तो ये सारे, ये तीनों पॉलीमर जो है वो वाटर में फ्लोट करेंगे, मतलब तैरेंगे। और जिसका डेंसिटी 1 से ज्यादा होगा वो वाटर में सिंक करेगा, मतलब डूब जाएगा। जैसे कि ये जो कुछ 3-4 पॉलीमर, जिसके डेंसिटी 1 से थोड़ा ज्यादा या 1.1 के अप्रॉक्स होते हैं। ठीक है,
तो देखते हैं पीएस, पीएस मतलब पॉलीस्टाइरीन का 1.07, सेन स्टाइरीन एक्रिलोनाइट्राइल का 1.1, एबीएस का 1.1 होता है और नाइलॉन का भी 1.1, ये सब एक ही रेंज के हैं, मतलब थोड़ा सा ज्यादा है 1 से। अब देखते हैं जो 1.1 से भी ज्यादा रेंज का है, पीएमएम में है पॉमा जिसको बोलते हैं, सीए हो गया, पीवीसी हो गया, एसिटाइल रेजिन हो गया और पीटीएफ पॉलीट्राफ्लोरोइथिलीन, तो ये इतने डेंसिटी का रेंज है। ठीक है, तो पता चल गया हम लोग कैसे डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं, मिलते हैं फिर नए वीडियोज में।